हेलो दोस्तों, आपका राना क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो कल 63वीं BPSC की प्री निकली है, जिनकी हुई है उनको बधाई, जिनको नहीं हुई उनके लिए भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 1465 है। जहां तक खबरें आ रही है 500-600 सीट नॉन गस्टेड के 2165 हो जाएंगी, या कभी भी हों, या 2-3 दिन में निकलने वाली है, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी नोटिफिकेशन की कि 600 सीट लगभग तो मान कर चला जाए तो, या 2165 तक की चर्चा हो रही है सीटें, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको BPSC 64वीं के लिए लाया हूँ प्री के लिए मटेरियल। तो ये मध्यकालीन इतिहास बिहार के, उससे 50 प्रश्न डालूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। कौन किया था? ये बाबर किया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था, तो 1526 में ये स्थापना हो गई थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो पानी, ये अगला क्वेश्चन भी है दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब कब है जो कि लड़ा गया था? वो डेट भी पूछ सकता है परीक्षा में कंफ्यूज पैदा करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को है जो कि आपको पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद क्या होगा अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीन है, उसका पूरा नाम जो था इब्राहिम लोदी लोग जानते, लेकिन इब्राहिम खान लोदी था। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुए, युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो तीनों क्वेश्चन थे वो लगभग कॉमन क्वेश्चन थे, लेकिन ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन 4th नंबर जो है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उस समय जो शासक था बिहार का जब युद्ध हुआ था, तो उस समय बहार खान उहानी नाम था। ये है जो कि नुहानी वंश से संबंधित रखते थे। तो क्या हो गया इसका? बहार खां नुहानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु का समाचार पाकर बिहार का शासक बहार खां नुहानी ने क्या किया? जब उसको पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है इब्राहिम लोदी की, तो क्या किया? 5 का D हो जाएगा, अपने को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया, महमूद खां का नाम धारण कर लिया, मुगलों के विरुद्ध है जो कि अफगानों को फिर क्या किया, भड़काने लगा। तो ये हो गया। उसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन है, घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? तो घाघरा जो युद्ध है उससे क्या हुआ बाबर को? बक्सर और चौसा पर अधिकार हो गया, महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा, बंगाल का शासक नुसरत शाह ने जो कि से उसकी संधि हो गई। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो 3 चीज हो गया इसका, तीनों ऑप्शन हो गया। उसके बाद फिर फरीद खां अथवा शेर खां किसका नायब नियुक्त हुआ था? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, जलाल खां हो जाएगा। फरीद खां अथवा शेर खां किसका नायब नियुक्त हुआ था? उपशासक जलाल खां का नियुक्त हुआ था। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? जो बाबर शासन करता था उसमें कुल वार्षिक राजस्व भारत का बिहार का कितना था? तो 4,05,60,000। डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? उस समय जो हुमायूं था तो निश्चित है कि वो अफगानियों का होगा, क्योंकि शेर शाह से संबंधित था, तो अफगानियों से संबंधित था। हुमायूं के समय दक्षिण बिहार का शासक कौन था? तो दक्षिण बिहार का उस समय शासक क्या था? ताज खां कर्रानी। यही सब क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में गलती होते हैं, और शॉर्ट लिस्टेड बहुत सारे लोग हैं जो कि 2 या 1 नंबर से बहुतों को छटते देखा है। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था? अकबर था। सी हो जाएगा आंसर। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का दर्जा कब दिया गया? अकबर दिया तो अकबर के समय ही होना चाहिए।
12 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1580 हो जाएगा, क्योंकि 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल था। मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार या गवर्नर कौन बना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्वती। क्या नाम हो जाएगा, मुजफ्फर खां तुर्वती। अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था, तो 14 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 7 भागों में विभक्त था। उसके बाद बिहार का शासक दाऊद खां करनानी मुगलों के विरुद्ध था, उसे दबाने के लिए बादशाह अकबर कब पटना आया था, तो कब पटना आया था, सी हो जाएगा 1575 ईस्वी में जो कि पटना आया था। बादशाह अकबर ने मिथिला में राजस्व वसूलने का अधिकार किसे प्रदान किया था, तो 16 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा महेश ठाकुर को प्रदान किया था। अकबर कालीन बिहार के सात सरकारों द्वारा कितना वार्षिक है जो कि राजस्व प्राप्त करता था, अकबर जो है बिहार के सात सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था, तो डी हो जाएगा 43,17,044 रुपया। मुजफ्फर खां तुर्वती के बाद बिहार का सिपसलार या सूबेदार कौन हुआ, तो उसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है, मिर्जा अजीत कोका, सुजात खां, मिर्जा उसूफ मसदी और सईद खां छस्ता। इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न फिर से देख लीजिए, मुजफ्फर खां तुर्वती के बाद बिहार का सिपसलार सूबेदार कौन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 18 का बी हो जाएगा सुजात खां। मुगल ये जो कुंवर मानसी को कब बिहार का मनसबदार या सूबेदार बनाया गया था, तो 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1587। रोहतास में किसने किले का निर्माण करवाया था, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मानसिंह। अकबर कालीन बिहार के सभी छोटे बड़े राजाओं पर किसने मालगुजारी तय किया था, तो 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मानसिंह। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात किसे बिहार का विशेष अधिकारी बनाया गया था, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा टोडरमल को बनाया गया था। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने प्रगटों में बांटा गया, तो 23 का डी हो जाएगा 199 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर कालीन बिहार के मनसबदार या सूबेदार मानसिंह को किस वर्ष शाही दरबार में बुला लिया गया था, तो 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1594। अकबर कालीन बिहार का अंतिम मनसबदार सूबेदार कौन था, 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आसिफ खां था। जहांगीर ने अकबर कालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया था, ये सब परीक्षा में पूछ सकता है, तो 26 का क्या हो जाएगा, एक लाल बे गया उसका बाज बहादुर नाम था। 27 नंबर देखते हैं, सूबेदार ने 1614 में पटना के गुजरी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कौन सा सूबेदार था 1614 में, तो 17 का क्या हो जाएगा, ये 27 का बी हो जाएगा जफर खां। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय प्रशासन प्रमुख सिपाहसलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया था, 28 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सूबेदार कहा जाता था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, बी हो जाएगा इब्राहिम खान ने बनवाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया, 30 का सी हो जाएगा 1576 में। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा महेश ठाकुर को। 32 नंबर देखते हैं, 1615 ईस्वी में नूरजहां का भाई बिहार का सूबेदार बना था, उसका नाम क्या था, 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इब्राहिम खां। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था, तो 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1621 में। शाहजादा परवेज का बिहार का सूबेदार बनने के पश्चात बिहार सूबेदारी के संबंध में क्या हुआ था, तो 34 का क्या हो जाएगा, सभी वर्ष डी हो जाएगा, एक तरह से मुगल शहजादों के लिए आरक्षित हो गया, शाही दरबार में बिहार का महत्व बढ़ गया, बिहार सूबेदारी प्राप्त करने के लिए मुगल शहजादे ललायत रहने लगे। 35 नंबर देखते हैं, शाहजादा खुर्रम ने 1622 से 1624 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था,
तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पटना परवेज सासाराम। उसके बाद हो जाएगा, किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर का नामकरण हुआ था, तो 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मुराद के नाम पर मुरादपुर पड़ा था। शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है, तो बी हो जाएगा, पटना अस्पताल के निकट है। किसने पटना को एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, सैफ खां। मुमताज का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सी हो जाएगा, 1639 में बना था ये। अब 40 नंबर देखते हैं, पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने कराया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, सईद खां। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लश्कर खां। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इम्पोर्टेंट है, तो 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में किसके शासन सूबेदार के शासन काल में हुआ था, तो बी हो जाएगा, लश्कर खां के। किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी, कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है, 1677 में मिली थी। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया कर के रूप में वसूला जाता था, तो 44 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया, तो निश्चित है कि जिस नाम से है उसी नाम से होगा, तो अजीम हो जाएगा। उसके बाद पटना चित्रशैली की नींव किसकी सूबेदारी काल में पड़ी थी, तो 46 का ए हो जाएगा, अजीम के शासन काल में पड़ी थी। 43 नंबर, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है परीक्षा में, तो 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फर्रुख सियर का हुआ था 1717 में। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था, तो 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रफी उद दर्जत। सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा, 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रफीउद्दौला। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो ए हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।